दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल आर्टिको ब्लॉग में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं अश्वनी और आप देख रहे हैं आर्टिको ब्लॉग। दोस्तों आज का जो वीडियो है हम आपको दिखाने वाले हैं कलाकुंभ और लेके जाने वाले हैं आपको भुवनेश्वर। कुंभ में जो है आपको बहुत सारे आर्टिस्ट का वर्क देखने को मिलेगा, फेमस फेमस आर्टिस्ट के, और वहाँ पे जो है लगभग ऑल ओवर इंडिया से लगभग 200 यानी कि आर्टिस्ट लोग वहाँ पे आए और अपनी सहभागिता इस कार्यक्रम में दी। और चलिए किस प्रकार से वो लोग वर्क किए, पेंटिंग बनाए और जहाँ पे यह कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और किस प्रकार से वहाँ पर हम पहुँचे, सारा वीडियो हम वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए मेरे वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको आने वाले हर एक नोटिफिकेशन की जानकारी। दोस्तों कुछ घंटों के सफ़र के बाद जो है हम लोग पहुंच गए हैं पटना जंक्शन से भुवनेश्वर जंक्शन और यहां से हम लोग चलेंगे जहां पे नेशनल वर्कशॉप हो रहा है कलाकुंभ में, यहां के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। दोस्तों हम आपको लेके आ गए हैं IIT कैंपस जहां पे यह वर्कशॉप हो रहा है। इसके बारे में हम आपको कुछ बातें बता देते हैं कि यह जो है वर्कशॉप आज़ादी के 75वें वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है जो कि उड़ीसा के IIT कैंपस में इसका जो है आयोजन किया गया है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एवं KIS के सहयोग से यह कला कुंभ का आयोजन किया गया जाए जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से 200 आर्टिस्ट इस कला कुंभ में शिरकत कर रहे हैं और इस कला कुंभ में जो है 750 मीटर लंबी पेंटिंग बनाया जा रहा है। दोस्तों अब हम आपको इस पेंटिंग के बारे में कुछ बातें बता दे रहे हैं कि यह पेंटिंग जो है इंडियन फ्रीडम फाइटर के थीम पे बनाया जा रहा है और इसमें जो है भारत की सभ्यता संस्कृति को भी ध्यान में रखकर इस पेंटिंग में जो है बहुत सारे वर्क किए जा रहे हैं। इस नेशनल वर्कशॉप में जो भी काम यानी कि जो भी वर्क किए गए हैं कलाकारों के द्वारा पेंटिंग बनाए गए हैं उसकी प्रदर्शनी जो है 26 जनवरी के दिन राजपथ पर यह प्रदर्शनी लगाया जाएगा जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ा गर्व की बात है। इसमें जो पेंटिंग बन रहा है यह 750 मीटर लंबी पेंटिंग इसमें बनाया जा रहा है। दोस्तों इस वर्कशॉप में जो है बिहार की फोक आर्ट मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग का भी इस फोक आर्ट में स्थान दिया गया है। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं मंजूषा पेंटिंग के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट यानी कि हम आपको मिलवाने वाले हैं मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित जी से, जिन्होंने मंजूषा कला को जो है पुनर्जीवित करके बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों इस वर्कशॉप में जो है 324 स्क्वायर फीट में मंजूषा पेंटिंग बनाई जा रही है और इस पेंटिंग में भी जो है इंडियन फाइटर को मंजूषा शैली में दिखाए गए हैं। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित जी से, वो क्या कहते हैं इस वर्कशॉप के बारे में। मित्रों आज मैं उड़ीसा के ऐतिहासिक मैदान में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के तत्वाधान में कला कुंभ राष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित हूँ और सहयोगी पार्टनर किट KIIT और KISS है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और ये पूरे आयोजकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ उन जिन्होंने मंजूषा कला को उस अंग की चंपा से यानी वर्तमान भागलपुर बिहार से यहाँ पे बुलाया है। ये मंजूषा कला के लिए कलाकारों के लिए और भागलपुर वासियों के लिए खुशी की बात है। आज मंजूषा पेंटिंग 16 मीटर में बनाई जा रही है यानी 52 फीट लंबा और अगर उसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 324 स्क्वायर फीट की। ये पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जो राजपथ पर 26 जनवरी के उपलक्ष में लगाया जाएगा जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अवलोकन करेंगे, ये हम लोग के लिए सुखद संकेत है। तो हम आयोजकों को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, हमें यहाँ पे बुलाए हैं और हमारे साथ
युवा कलाकार अमन सागर है और इतनी लंबी पेंटिंग बनाने में मात्र 6 दिन में संभव नहीं था, तो कुछ बिहार से आए मधुबनी कलाकार भी हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं जो देश के कोने कोने से आए हैं, वो मंजूषा कला को देख करके काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। हमें विश्वास है किसी तरह का अगर सरकार का सहयोग रहा तो मंजूषा कला बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगी और देश के कोने कोने से आए लगभग 200 कलाकार इस कला कुंभ राष्ट्रीय कार्यशाला में शिरकत कर रहे हैं और बिहार से मधुबनी चित्रकला और मंजूषा कला को स्थान मिला है, ये काफी सुखद संकेत है। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना से आए हुए स्टूडेंट से, जिन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। दोस्तों अब हम आपको पूरी पेंटिंग आपको दिखाने वाले हैं इन कलाकारों के द्वारा जो बनाए गए हैं, तो मेरे वीडियो में आप लोग एकदम से लास्ट तक बने रहिए और अच्छा लगे तो चैनल को आप जरूर लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ताकि आपको आने वाले हर एक नोटिफिकेशन की हर एक वर्कशॉप की जानकारी मैं आप तक पहुँचा सकूँ।